हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति से रिलेटेड कार्य पत्र 89 करेंगे। 17 फरवरी, संस्थाओं का कामकाज। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हमारे देश यानी भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यानी हमारे देश में कुछ अदालत है जो कि कुछ विभिन्न विभिन्न स्तरों पे होते हैं और इन सभी को न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका 3 प्रकार की होती है: सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय और जिला में जिला न्यायालय, और स्थानीय स्तर के न्यायालय भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो मेनली 3 होते हैं: सर्वोच्च, राज्य और जिला। देश में एकीकृत न्यायालय भी होता है, जिसका मतलब है कि सभी अदालतों का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो फैसला मानता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है, जैसे देश के नागरिकों के बीच विवाद होना, नागरिक और सरकार के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। ये फौजदारी और दीवानी मामले में भी अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। ये उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। तो मेनली जो सर्वोच्च स्तर के काम होते हैं, सरकारी स्तर पे काम होते हैं, ये सभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय में ही लिए जाते हैं फैसले। अब न्यायपालिका की कुछ स्वतंत्रताएं होती है। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। यानी न्यायपालिका किसी विधायिका या कार्यपालिका के अंदर नहीं आती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। जो भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय जो है और उच्च न्यायालय है, इनके जो न्यायाधीश है यानी जो हमें न्याय देते हैं, जज होते हैं, वो उनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो है ये हमारे प्रमुख न्यायाधीश ही नियुक्त करते हैं। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास लेना पड़ता है। न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इसके अकॉर्डिंग अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई भी नियम या कार्यकाली पे जो है कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। यानी इस तरह यदि किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वोच्च जो न्यायालय है, इसमें सारे फैसले जो है संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में होते हैं और इनको बदलाव नहीं किया जा सकता। अब न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार माने फंडामेंटल राइट्स। तो भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी नागरिक अपने कुछ अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय यानी कि कोर्ट में जा सकते हैं अपना हक पाने। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोग न्यायपालिका पर विश्वास भी करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस आ चुके हैं। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका में एक देश में विभिन्न स्तरों पर सभी न्यायालय शामिल हैं और इसमें उच्च, सर्वोच्च, उच्च और जिला 3 तरह के न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च कानूनी संस्था है। तो इसमें कौन सी अदालतें शामिल है आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? देश के नागरिकों के बीच विवाद की, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद की, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद की, किसी अपराध
और दीवानी मामले में अपील के लिए या फिर हाई कोर्ट के फैसले के जब आप खिलाफ हो तो तब स्पष्ट करें कि स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे काम करती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि यह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। तो जो न्यायाधीश सरकार होती है यानी न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होता है वो किसी से बना हुआ नहीं होता, अपने अनुसार ही वो सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं वो लेता है। अब नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आपके विचार में न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका निम्न कारणों में इसीलिए आवश्यक है क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है लोगों को किसी भी दबाव में काम नहीं करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये प्रत्येक नागरिक को चाहे वो अमीर हो गरीब हो उनका हक दिलाते हैं, भेदभाव को खत्म करते हैं आदि, आप ये पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। वर्कशीट पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।